हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। और मेरे यूट्यूब चैनल पूजा सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, 10 बजने वाला है। तो आराध्या देखिए, अभी से ही किसका वेट कर रही हो? तो आराध्या अपने भैया का वेट कर रही है, स्कूल से आने के लिए इंतजार कर रही है। तो अभी परीक्षा चल रही है, इसलिए वजह से थोड़ा जल्दी छुट्टी हो जा रहा है। तो आराध्या इंतजार करिए कि भैया कब आएगा। और तब से ही मैं जब से उसको आ जाओ अंदर आ जाओ, अभी लेट है बेटा, अभी थोड़ा देरी से आएगा भैया, आ जाओ। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं, देखिए भैया देरी से आएगा, आ जाओ। तो आज थोड़ा थोड़ा धूप हुआ है बाहर, जैसे आप लोग देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा धूप हुआ है। तो मैं कपड़े वगैरह फिर जल्दी जल्दी धो के सब फैला दी हूँ, कपड़े कल का भी है आज का भी है। आप लोग जैसा देख रहे हैं पूरा कपड़ा, यहाँ इधर भी एक रस्सी है, तो दोनों पे मैं फैला दी हूँ। तो कपड़े आज लग रहा है सूख जाएगा, बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत लाइट है आज। तो आराध्या तब से वेट कर रही है गेट खोल के बाहर। तो ब्लॉग्स मैं सोची चलो ब्लॉग्स सुबह से ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आज सुबह सुबह जल्दी काम हो गया है। किसी किसी दिन ऐसा होता है थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो आज जल्दी हो गया है, तो सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट है। तो आप लोग लगातार ब्लॉग्स में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हो चुका है दोपहर और आरब स्कूल से आ गया है, वो लोग खेल रहे हैं। और घर में ही लैब बना हुआ है और लैब में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लैब में घड़ी लगा हुआ है, ये जो देख रहे हैं एक घड़ी लगा हुआ है और घड़ी के हिसाब से ही काम हो रहा है ना। लैब में कुछ कुछ काम चल रहा है, ये लैब है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये दोपहर में स्पेशल लौकी वाला दाल मैं फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने इसमें अदरक लहसुन मिर्चा तेज पत्ता करी पत्ता सब कुछ फोरन में ही डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें लास्ट में डालूंगी थोड़ा सा सांभर मसाला और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर दूंगी। तो देखूं सांभर मसाला कहाँ है या नहीं है। बहुत टाइम ऐसा होता है ना, मुझे पता भी नहीं रहता है कि नहीं है। तो मैं आप लोग को यहाँ पहले सेट कर लेती हूँ और फिर इसमें चेक करती हूँ, लगता है। तो यहाँ मेरा सांभर मसाला है, तो मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच, थोड़ा सा ही सांभर मसाला, पर टेस्ट अच्छा जाता है। तो चलिए सांभर मसाला भी डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं सांभर मसाला देखिए इसमें ऐड कर रही हूँ, बस इतना ही ऐड कर दूंगी। तो यहाँ देखिए, और कुछ मेरे साथ हल्दी भी है, तो आप लोग ऐसे लौकी को डाल के बॉईल कर लीजिए। एक साथ भी आप लोग फ्राई करके भी कुकर में बना सकते हैं। तो मेरे साथ समस्या है कि बच्चे छोटे हैं, तो मिर्ची वगैरह या फिर अदरक वगैरह ये सब जो उन लोग के खाने में चला जाता है, फिर वो लोग नहीं अच्छे से खा पाते हैं, इस वजह से मैं इसको बाद में ही उन लोग का दाल निकाल के फ्राई करती हूँ। तो आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं, ये मेरा गाढ़ा गाढ़ा दाल लौकी का दाल, अरहर मसूर है और लौकी डाल के बनाई हूँ। तो बस थोड़ा सा ये खोल जाएगा और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी और उसमें एक चम्मच घी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा मस्त लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो आप लोग भी ऐसे बनाइए लौकी का दाल, बहुत ज़्यादा टेस्टी हेल्दी दोनों है। तो और खा, तो फ्रेंड्स हो चुका है शाम और आज दोपहर से यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गया है, तो बाहर बिल्कुल भी जाना नहीं हुआ। तो आज घर में ही कुछ अलग अलग रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने प्याज मिर्चा ये सब फ्राई किया है और इसमें मैं चूरा डाल के आज चूरा और बादाम नाश्ते में बनाने वाली हूँ। तो ये जो चूरा देख रहे हैं, ये हमारे घर का है चूरा, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा भूनने के बाद और भी टेस्टी लगता है। तो इसको मैं ऐसे तेल में प्याज और मिर्चा को हल्का फ्राई करके उसके बाद इसको डालती हूँ, फिर नमक डालूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और फिर मैं बादाम थोड़ा सा भूनूंगी, पहले चूरा को निकाल के फिर थोड़ा सा तेल डाल के बादाम को भून लूँगी हल्का नमक देके, और फिर दोनों को मिक्स कर दूँगी। चूरा बादाम आज नाश्ता होगा और डिनर का भी मैं कुछ कुछ तब तक तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं बताई कि बारिश होने के वजह से मैं बाहर नहीं गई, बच्चे लोग सोए हुए थे तो मैं जगी, तो बस कुछ कुछ अपना डिनर का भी तैयारी कर लेती हूँ। तो डेली की तरह तो मैंने यहाँ कुकर में चने को भी बॉयल कर दिया है, काबली चना था तो उसको मैंने बॉयल कर दिया है। तो मैं पनीर डाल के उसको बनाने वाली हूँ, मटर पनीर, तो मटर तो नहीं है वो काबली चना,
पनीर बनाने वाली हूँ चना पनीर, तो बस उसका भी मैंने कुछ कुछ तैयारी कर रही हूँ। सोची मैं चलो उसका भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए लहसुन वगैरह ये सब रखी हूँ, पहले उसको छील लेती हूँ और पहले नाश्ता का रेडी करके मैं रख दूँ। चूरा बादाम भून दो, तो बच्चे लोग भी तब तक जग जाएंगे। जग गए हैं, आराध्या तो जग गई है, आरव को जगाने गई है। देखिए यहाँ ऐसे चूरे को मैं फ्राई कर रही हूँ, तो बड़ा ही टेस्टी लगता है चूरा बादाम। तो अभी बारिश दोपहर से स्टार्ट है, अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ मेरा प्याज मिर्ची और डाल के मैंने चूरा को फ्राई किया है और उसके साथ बादाम भी भुना है। तो ये टेस्टी टेस्टी मेरा नाश्ता शाम का रेडी हो गया, बरसात वाला। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए डिनर में लगती हूँ। तो डिनर के लिए मैंने देखिए यहाँ पे पनीर को बड़े बड़े साइज में काट लिया है और मैं आलू फ्राई करूँगी, तो आलू को भी मैं उसी साइज़ में काटी हूँ। आलू को फ्राई करके मैं डालूँगी छोले में, क्योंकि बॉईल करके डालने से क्या है फिर उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो मैं फ्राई करके डालती हूँ और जब मेरा पूरा सब्जी बन के कढ़ाई में ही मसाला वगैरह सब कुछ भून लेती हूँ, जब रेडी हो जाता है तो कुकर में एक मैं सीटी लगा देती हूँ ताकि आलू भी मेरा पक जाए और पनीर भी अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं झटपट स्पीड करके ही आप लोग को मैं रेसिपी दिखा रही हूँ ताकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ जैसा आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ मैंने मसाला डाल दिया, टमाटर डाल दिया और पनीर मसाला भी मैं ऐड कर दूँगी। तो मसाला अच्छे से कढ़ाई में ही भूनूंगी जब तक तेल साइड साइड से दिखने लगेगा तब तक, क्योंकि सब्जी में मसाला भूनना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर मसाला अच्छे से फ्राई होता है तो एक सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ मेरा मसाला फ्राई हो गया, इसके बाद मैं पनीर और जो आलू मैं फ्राई की थी उसको भी मैंने मिक्स कर दिया है और उसके बाद मैं लास्ट में कुकर में एक सीटी लगा दूँगी पानी थोड़ा सा डाल के। तो ये मेरा बन गया डिनर। आई होप आज के वीडियो में आप लोग इन्जॉय किए होंगे।